ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु वरदानी दृष्टि देने के साथ साथ बहुत सुंदर वरदान हम सबको दे रहे हैं। बाप समान हर आत्मा पर रहम व कृपा करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे आप बच्चों को भी रहम दिल बनना है। भले कोई कंस, जरासंधी, रावण जैसे भी क्यों ना हो, सबके प्रति परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखनी है। चाहे कोई परवश है तो प्रभु परिवार की आत्मा, तो आप कभी किसी से घृणा नहीं कर सकते। सबके प्रति रहम दिल बनो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, जो कमजोरियों रूपी कीटाणु हैं वो भस्म करने हैं। बाबा ने मुरली में सर्विसेबल बच्चों को याद किया। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें हमेशा उमंग रहता है कि हम सबकी सेवा करें। सेवा का उमंग और तरकीब दोनों आनी चाहिए। कई बच्चों को उमंग बहुत है लेकिन सेवा करने की विधि नहीं आती। विधि पूर्वक सेवा करनी है। जब आप ये सेवा का कार्य करेंगे, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ेगा। राजधानी स्थापन हो रही है तो बहुत कुछ सहन भी करना पड़े तो खुशी खुशी करना है। बाबा का मददगार बनना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं। कई बच्चे थक जाते हैं, 10-20 को समझाएंगे तब कोई निकलेगा। बाबा ने कहा, अगर कभी ऐसी रिजल्ट भी निकले तो भी आपको कभी निराश नहीं होना। योग बल बढ़ाना है। बाबा के पास आए हो, जगदम्बा की भी महिमा है। जगत अम्बा सौभाग्य विधाता है। महिमा में गाते, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। इस समय जगत अम्बा की भी महिमा है, ब्रह्मा की भी महिमा है, शिव बाबा की भी महिमा है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़, सर्विस करने का उमंग रखो, हुल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं। पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़, सर्विस करने का उमंग रखो, हुल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाबा का परिचय देकर सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाबा के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। बाबा के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीता, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता, भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर पूरा भाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं, बहुत साधारण प्रजा में जाके जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, शौक भी होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। किन्हों को भले उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भले संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो।
अभी वो सुख किसी को है थोड़ा ही, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है, भले रोज आते हैं परंतु वो नशा थोड़ा ही चढ़ता है। तुम्हें सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं, कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उसको स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5 वर्ष पहले राम के राज्य में सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। यहां भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते, गोली चलाते रहते। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति कोई थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती, घर घर में बहुत झगड़े हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं, 5 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा होगा। तुम बताते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते परंतु ज्ञान कोड़ी का भी नहीं। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बना के देनी है, जैसे मनुष्य जैसा जैसा मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता। गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले फिर अमल में लाएं। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकली हैं, सब फ्री में देने के लिए तैयार रहते। जो भी संस्थाएं हैं उनके फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा, सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा है सब सेवा में लगा हो, ताकि भारत स्वर्ग बने। हम सभी को अपना तन मन धन सेवा में लगाना है, ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने मदद करते हो, रात दिन का फर्क है, वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनाते जाते, तुम्हें बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं। तो सब गरीब ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं, तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो वो होगी जरूर, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। आपके पास भी वो दिव्य दृष्टि है, सिर्फ एक नहीं, आप भी संजय हैं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सभी को रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा के मददगार बने वो नहीं है, यहाँ सर्विस करके दिखानी है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो कैसे समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चित्र बनाकर लिखाना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते, शिव बाबा तो गलियों में नहीं जाएंगे, अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को भी जाना पड़े, ब्रह्मा जाए तो शिव बाबा को भी जाना पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना है, ये सर्विस करना बच्चों का काम है, लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सबको समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सब थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या फिर बहुत दान पुण्य करने से, राजा बनते हैं बहुत दान पुण्य करने से या फिर राजयोग से। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, इसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, ऐसे बहुत काम होते रहते। दो पैसा दो
तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं, तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर कि घर में जाकर वैसे के वैसे बन जाते, कोई हुल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी हुल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है, उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी आएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं, कोई अच्छे फूल है, कोई कोई टांगर और अक के भी हैं, कोई सेवा नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय जरूर देना है। तुम तो गुप्त हो, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं। बाबा बार बार कहते मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाके करना चाहिए, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। यहाँ आने से डरते हैं तो उनके घर में जाके समझाओ, जो सेंटर पर आने से डरते हैं उनके पास घर में जाके समझाओ। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में कभी थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से कोई एक निकलेगा। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े, जब तक गाली नहीं खाई तब तक कलगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो परंतु रिजल्ट कहाँ, अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उसमें से एक दो जागे, वो भी बताना चाहिए, बाबा को रिपोर्ट तो देनी चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, वर्ल्ड की इसी ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो, बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुम्हें शमशान में जाके सर्विस करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ जाता है। धंधा दौरी 6-8 घंटा किया, बाबा पूछ रहे हैं बाकी समय कहाँ जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को, लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आके समझो, कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हार लेने की कोशिश करो। तुम्हें 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं, तुम परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परम धाम से आई हैं। आप परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ, ये करो, जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहते हैं। 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का हाल देखो क्या हो गया। तो बाबा कहते सर्विस का सबूत दो, सबको सुख दो, यहाँ बस ये तात लगी रहे, ये चिंता लगी रहे, बुद्धियोग बाबा के साथ हो। फिर गीत चला, माता उमाता तू है सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है, वो कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उसे धारण करके औरों को कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम भारत की सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी है, यज्ञ की स्थूल सेवा, जैसे यज्ञ में जाम अपने हस्तों से, यज्ञ में मान लो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, भोजन बनाना, भोजन बनाने से पूर्व तैयारी कराना, जिसमें हमारा संकल्प शक्ति भी प्रयोग हो और हाथों की भी सेवा हो, ऐसे स्थूल सेवा करनी है। रूहानी सेवा भी जरूर करनी है, जैसे बाबा का परिचय देना, मन मनाभव का मंत्र सबको देना, मन मनाभव ये है मनसा, मध्याची भव ये है वाचा, इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें, ऐसे भी नहीं, बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाबा समझाते ये जगत अम्बा कौन है, ये भारत की सौभाग्य विधाता, इसको शिव शक्ति सेना भी कहा जाता है, हेड है जगदम्बा, भारत में 1 गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड,
भारत माता शक्ति अवतार ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बुद्धियोग एक बाबा से रखना है, मन मनाव के छू मंत्र से दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सर्विस में कभी थकना नहीं, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है, मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है, बुद्धियोग एक बाप से रखना है, मन मनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सर्विस में कभी थकना नहीं, स्थूल सर्विस के साथ रूहानी सेवा भी करनी है, मन मनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाबा रहम दिल है, आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करो, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा से घृणा नहीं हो सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो, रावण हो, कोई भी हो, रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। जैसे बाबा रहमदिल है, आप बच्चे भी सब पे रहम कृपा करें, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कंस हो, जरासंधी हो, रावण हो, कोई भी हो, फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं हो सकती। स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। आज हम सब सबको देखते हुए दिल से वरदान देंगे, बाप समान रहम दिल भव, शुभ भावना संपन्न भव, सर्व स्नेही भव, टेंशन फ्री भव, सरल चित भव। एकाग्र हो जाएं, जैसे बाबा रहम दिल है, मैं बाप समान रहम दिल आत्मा हूं। जो आत्मा जैसी है, मैं उसे स्वीकार करती हूं, सत्कार करती हूं। याद में वो शक्ति है किसी की भी कमजोरी मिटाने की। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से शक्तियां ले, चारों ओर फैलाएं, सारे विश्व की आत्माओं को सामने देखते शुभ भावना संपन्न वरदान दे, इनका भी कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सरल बन जाए, जीवन का सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।